इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केशो शिखा, रखे ख्याल आपके बालों का माँ जैसा। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने सोमवार को दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा रालोद गठबंधन को इतना व्यापक समर्थन दे रही है कि मायावती एवं अखिलेश यादव जिसे चाहेंगे वही देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद देता हूँ अपने गांव के सभी जिम्मेदार लोगों को और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी साथियों का। जहाँ तक ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मेरे भाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे धर्मेंद्र ने यह भी कहा कि सपा बसपा गठबंधन की मौजूदगी वाली सरकार बनने के बाद जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे और संख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे धर्मेंद्र ने यह भी कहा कि सपा बसपा गठबंधन की मौजूदगी वाली सरकार बनने के बाद जाति आधार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। अभी से ही आप अपना संतुलन खोए बैठे जा रहे हो। ये बीजेपी के लोग जिन्होंने 2014 में 17 में देश को छड़ा है, ठगा है, झूठ बोला है, जुमले बोले हैं। संख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किए जाएंगे। आजमगढ़ से द फ्रंट न्यूज की रिपोर्ट। आज हम आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा क्षेत्र जहां अनजान शहीद गांव में है और यहां पे सपा का समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो सदर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं की एक जनसभा है जहां पे अतिथि लोग जो माननीय बदायूं के सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी विजय लाल यादव जी आ रहे हैं और चलिए आइए जानते हम जनता से देखते हैं कि उनके मन में चुनाव के लिए क्या विचार हैं, क्या राय है। आदिवासी हैं जी, यहाँ से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी और यहाँ से लगभग कुछ नहीं तो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा जी, और निरहुआ तो कम से कम बहुत ज्यादा वोटों से वो हारेगा। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कौन आने वाले हैं, अतिथि कौन है? मतलब धर्मेंद्र यादव जी आने वाले हैं, सांसद बदायूं के हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केशो शिखा, रखे ख्याल आपके बालों का माँ जैसा।